12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सभी त्योहारों को सबसे पहले मनाए जाने की परंपरा है, जिससे दिवाली, होली, नववर्ष सहित अन्य त्योहारों को महाकाल मंदिर में अल सुबह मनाया जाता है। आज भस्म आरती के दौरान बा महाकाल का श्रृंगार तिल से किया गया, जिसमें महाकाल अर्धनारेश्वर के रूप में दिखाई दिए। मंदिर का गर्भगृह नंदी हॉल में छोटी छोटी रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया है। हालांकि कोविड गाइडलाइन को लेकर श्रद्धालुओं के नंदी हॉल गृह में प्रवेश पर प्रतिबंध किया हुआ है। महाकाल मंदिर के पुजारी राम शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति पर भगवान महाकाल का दरबार पतंगों से सजाया गया है और भगवान का महाकाल का तिल से भस्मारती में श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति महापर्व है, इस पर्व के उपलक्ष्य में भगवान को तिल्ली चढ़ाई गई है। आज प्रातःकाल आपने देखा होगा भस्मारती में भी जो श्रृंगार किया गया उसमें तिल का उपयोग किया गया है। और चूंकि मकर संक्रांति के साथ साथ में पतंग महोत्सव भी रहता था, पूरा मंदिर पतंगमय हो चुका है और जनता का भी आगमन बढ़ा हुआ है। आम दिनों की अपेक्षा काफ़ी सारे श्रद्धालु बढ़े हुए हैं। क्या पूरा नाम है? पुजारी राम शर्मा।